हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ो बेटा फिर आगे चलते हैं। चलो आ जाओ, मैं पहले दोनों चीजें आपको यहां पर समझाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी क्लास को याद करिएगा बेटा। इससे पहले अगर जिन लोगों ने मेरी मैराथन क्लास नहीं ली है बेटा, जिन लोगों ने मेरी मैराथन क्लास नहीं ली है वो मैराथन क्लास जरूर ले लें बेटा, क्योंकि मैराथन जो प्लेलिस्ट में आप उसमें जाओगे वीडियो में तो आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गए, आगे बढ़े। चलो अब मैं यहां पर बेटा आपको समझाने वाला हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। अगर आपने वो मैराथन क्लास नहीं देखी है तब भी आप इस क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। आ जाओ करें बेटा। चलो ये रहा बेटा आपके सामने, ये कह रहा कि कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कह रहा कार में चार बच्चे थे बेटा, कितने थे ये मान लीजिएगा कि कार है भैया, इस कार में भैया कितने लोग थे, चार बच्चे थे, ठीक है चार थे। ये कह रहा फिर एक बाहर निकला, क्या निकला बेटा, अब एक बाहर निकल गया, एक बाहर निकल गया ठीक है, घटा देंगे भैया, अब कितने बचे, तीन बचे इसमें। अब कार में तीन बच्चे हैं, उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है ठीक है। अब कितने बच्चे बचे हैं, तीन बच्चे। तो ये जो बच्चों को जो करा रही है, ये जो मेथड जो बच्चे को बता रही है, ये एक हम कह सकते हैं कि किसकी घटाव की अवधारणा समझा रही है, किसकी बेटा, व्यवकलन की अवधारणा, व्यवकलन की अवधारणा, व्यवकलन की अवधारणा सिखा रही है, व्यवकलन की अवधारणा ठीक है, एक सामान्य तरीके से बता रही है, नॉर्मल तरीके से। अब यहां आप स्क्रीन पर दो पॉइंट देख पा रहे हैं, एक संवर्धन और एक समोच्च। जरा ये समझ लो बेटा कि संवर्धन क्या होता है और समोच्च क्या होता है, समोच्चयन क्या होता है बेटा, समझ लीजिएगा। इसे सेट कहा जाता है ठीक है, और उस दिन मैंने क्लास में आपको समझाया था, देखिएगा इसको वृद्धि कह देते हैं। देखिएगा जब वृद्धि, संवर्धन का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु में अपने आप वृद्धि हो जाए, यानी कि जब जब किसी वस्तु के मूल में क्या हो जाए बेटा, वृद्धि हो जाए, तो वो संवर्धन है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको एक उदाहरण दिया था कि मेरे पास मोबाइल है ठीक है, मेरा मेरे पास मोबाइल है जो कितने का है, 9000 रुपए का है, कितने का है, 9000 रुपए का मेरे पास मोबाइल है। अब वो मोबाइल कितने का हो गया, अब वो मोबाइल 9500 रुपए का हो गया ठीक है, अब कितने का होगा वो 500। तो इसमें बेटा 500 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो 500 की जो इसमें वृद्धि हुई है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम संवर्धन कहेंगे, यानी योग की क्या कहेंगे, इसे संवर्धन कहेंगे। अब आइएगा समुच्चयन क्या होता है, समुच्चयन का मीनिंग बताता हूं कि बेटा मेरे पास 10 गहने हैं, मेरे पास 10 गहने हैं, गहने हैं ठीक है, और बी के पास 5 गहने हैं ठीक है, और मेरी और बी की दोनों की गहनों को मिला दिया गया, क्या कर दिएगा, मिला दिएगा। अब मेरे पास कितनी गहने हो गई, 15 गहने बेटा, यहां पर भी इंक्रीज हो गया, यानी अब मेरे पास बॉलों की संख्या बढ़ गई है। जब दो वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे समुच्चयन कहा जाता है, सेट कहा जाता है, लेकिन संवर्धन में मिलाया नहीं जाता है, उसी वस्तु में इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि संवर्धन में क्या अंतर है और समुच्चयन में क्या अंतर है ठीक है। तो सर ना तो यहां पर संवर्धन हुआ है और ना यहां पर समुच्चयन हुआ है, यानी कि इसका मतलब है ना तो ए ऑप्शन है ना बी ऑप्शन है, कि ना तो यहां पर संवर्धन हुआ है और ना यहां पर समुच्चयन हुआ है, हुआ है किसी में नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में, यानी सर ए और बी तो हमारा नहीं बनेगा, ए और बी तो नहीं बनेगा। अब चलते हैं भैया सी ऑप्शन, आ जाओ क्या बनेगा देखो ठीक है। सर ये भी कट गया, डी हट गया, कि ना तो यहां संवर्धन हुआ ही नहीं है, संवर्धन का न्यूकरण हुआ ही नहीं है, बच्चा क्या कि बच्चों में ठीक है, यानी न्यून के रूप में घटाव को विकसित किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन हमारे लिए क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े, कोई डाउट। हाँ तो बेटा मैथ्स की आप क्लास देखो, आप गौरव कुमार, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बेटा क्लास देखना पड़ेगा। अगर आप आपने पहले दोनों क्लासें देखी हमारी, एक बार कमेंट्स करिएगा कि आपने बेटा हमारी दोनों क्लासें देखी हैं,
अगर नहीं देखे हैं तो बेटा प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दोनों क्लासों को देखिएगा। मैथ की केवल दो क्लास है बेटा, मैराथन वाली क्लास है, उनको आप देख डालिएगा। तो बेटा उनको देख डालिएगा, इसके अलावा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अलावा बेटा इसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है बेटा, और इसमें मैंने जिस प्रकार से जो मेहनत की आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोगों ने नहीं देखी है। चलो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आपके सामने आ गया है, रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है बेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। सम्मेटिव असेसमेंट बेटा, सम्मेटिव का उद्देश्य है जांच करना और इसका उद्देश्य है बेटा सिखाना है बेटा, लर्निंग कराना है। ठीक है, तो शामिल है। अब आप ऐसा ऑप्शन देखो कि सर जहां पर क्या हो रहा हो, लर्निंग की बात हो रही हो। ठीक है, ये कह रहा है गणित में सामान्य त्रुटियों की पहचान करना, ठीक है, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षण में सुधार करना, बेटा सुधार करना, शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, छात्रों को वर्गीकरण करना, जांच करना, त्रुटियां की को पहचानना, बेटा ये त्रुटियों को पहचानना, ये सब कुछ सम्मेटिव का पार्ट है बेटा, ये सम्मेटिव है। देखो मैं सम्मेटिव लिख देता हूं, जहां पर सम्मेटिव होगा बेटा मैं एस लिख देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मेटिव नहीं है, ये बेटा क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण नहीं है, जांच करना नहीं है। ठीक है, सुधार करना ही फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा टीचिंग के साथ होता है, इसको ड्यूरिंग असेसमेंट कहते हैं, ड्यूरिंग असेसमेंट कहा जाता है। इसका उद्देश्य सुधार करना है, इसका उद्देश्य अधिगम कराना है। ठीक है, इसकी मेथड्स कौन सी होती हैं, इसकी मेथड्स होती हैं, मेथड्स भी पूछता है एग्जामिनर कि भैया फील्ड ट्रिप किस में आती है, क्षेत्र भ्रमण इसी में आती है, और अवलोकन इसी में आता है, और क्या आता है बेटा इसमें, ठीक है, एनेक्डोटल आता है, एनेक्डोटल इसी में आता है, और बेटा क्या आता है, और इसमें चेकलिस्ट आती है बेटा, जांच सूची आ जाती है, और इसमें क्रम निर्धारणी आ जाती है बेटा इसी में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा, क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे होंगे, कमियां पहचानना निदानात्मक कहलाता है। ठीक है, और उनका समाधान करना उन्हीं का रिमेडियल कहलाता है, उपचारात्मक कहलाता है। तो आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉम्बे बनेगा। समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े भैया नेक्स्ट पर। चल बहुत बेटा पूरा आएगा, आप टेंशन मत लो, हमारी फीस बेटा बहुत, आप ऐप पर पूरी क्लास में लेनी है, तुम 400 रुपए का बेटा एक महीने में, एक दो 10 दिन का तुम्हारा खर्चा होगा 499 रुपए का, और 499 आपको पूरा बैच मिला। अब तो हमने उसकी फीस कम कर दी है, 499 से घटाकर 299 कर दी है। अगर इतने में भी अगर आपको लग रहा है बेटा, तो फिर तो बेटा आप वहीं जाइएगा, ठीक है, जहां पर 4999 में मिल रहा होगा वहीं बेटा। ठीक है, और पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा, लेकिन गारंटी है कि हम जो पढ़ाएंगे वो पूरा आपको मिलेगा। चलो, तो 299 बेटा कोई फीस नहीं होती है, फिर हम इसका प्रचार भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम उनको दे देते हैं जिन बच्चों को लगता है कि सर, ठीक है, कई सारे विद्यार्थियों को तो हमने ऐसे ही ऐड कर रखा है उसमें। हाँ, प्रियंका शर्मा, अन्नू बेटा, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, आंसर करो सभी लोग। चलो हाँ, लाइक करो बेटा, जितने लोग जुड़े हैं और लाइक हुए बताओ, इतने विद्यार्थी, हाँ सभी लोग एक बार कर दो सर कि हाँ सर हो गया। आप लोग शेयर नहीं कर पाते भाई, आप, मैंने देखा है बहुत से विद्यार्थी जो हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है भाई, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। कभी मुझे एक स्टूडेंट मिला, कह रहा था सर मैं 200 सब्सक्राइबर तुम्हारे करवा चुका हूँ। तो मेरे को लगा वो, मैं उसको वास्तविकता में इतना मैं उससे परिचित नहीं था, मतलब इतना मैं नहीं जानता। तो उसने कहा कि सर मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, ठीक है, मैं आपके बारे में बिल्कुल बता देता हूँ, आपके चैनल मेरा क्या जाता है बताने में सर, जब आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हम किसी स्टूडेंट को अगर इतना बोल दें कि भैया ये हमारे सर हैं, ठीक है, ये पढ़ाते हैं, जरा इसको ज्वाइन कर लो, तो क्या जाता है इसमें भाई। ठीक है, हम आपके लिए 1.5-2 घंटे बिल्कुल कंटिन्यूस, ठीक है, नॉन स्टॉप हम आपके लिए मेहनत करें, तो हमें किसी के मोबाइल में या किसी को बोलना, ठीक है, हमारे लिए क्या जाता है, या किसी को लिंक शेयर कर देना, ना तो पैसे कटते हैं। ठीक है, लगभग आप लोग यूपी से हैं, कई सारे बिहार से लोग जुड़े हैं, कई सारे मध्य प्रदेश से हैं, कई सारे दिल्ली से लोग जुड़े हैं, तो कई सारे राजस्थान से जुड़े हैं, तो
तो लगभग आप ऐसे स्टूडेंट के कॉन्ट्रैक्ट में तो होंगे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, और इनको अगर एक बार हम बोल दें ठीक है कि भाई इसको ज्वाइन कर लो ठीक है, तो बेटा आपके इस बोलने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सोचिएगा हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपका एक कमेंट करना या एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना, आपके मोबाइल में रेड बटन दबाना, ये उस टीचर के लिए बहुत एक सपोर्टेबल है ठीक है, जो अभी स्ट्रगल कर रहा है। अब बेटा हमारे कोई मिलियन में सब्सक्राइबर तो है नहीं, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 में बहुत से 500 लोग इसको देख लेते हैं, इससे ज़्यादा भी व्यू नहीं जाता है ठीक है। तो पैसा तो आप छोड़ दो कि अभी कुछ मिलता है यूट्यूब से, अभी कुछ नहीं मिलता बेटा ठीक है। पैसा उनको मिलता है जिनकी मिलियन में व्यू करती हैं ठीक है, जिनकी लाखों में व्यू करती हैं। अब 400-500 बेटा कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन यह है कि हम चाह रहे हैं कि इसी तरह मेहनत करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा हाँ, तो एक दिन निश्चित जरूर हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो बस उसी विश्वास के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इसमें से ठीक है 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, 10% तो होते ही हैं भाई ठीक है, तो वो तो अपवाद तो सभी जगह पाए जाते हैं। चलो ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया मन्नू को, जितने लोग हैं बेटा थोड़ा आप एक लोग किसी एक को जोड़ेंगे हाँ, तो आपके एक बार जोड़ने से नहीं, बहुत समय बिल्कुल तारीफ करता हूँ, चाहे वो यूपी के विद्यार्थी हमारे, चाहे वो बिहार के हैं ठीक है, सपोर्टेबल। हमने अपनी शुरुआत तो यूपी से की है भाई बिल्कुल, तो बहुत सपोर्ट रहा विद्यार्थियों का, और अब तो हम लोग बिहार के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, यूपी वाले बेचारे जो कानपुर के हैं, अन्नन सहरसा और जुड़े हुए हैं। चलो तो एमपी में हमारा बेटा अच्छा खास स्टूडेंट थे, लेकिन बेटा वो सो गए बेटा, अभी क्या वो गहरी निंदा में चले गए हैं ठीक है। नहीं एमपी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एमपी में मैंने बेटा पढ़ाया, पूरा एक सेशन पढ़ा कर आया हूँ एमपी में, लेकिन एमपी के विद्यार्थी क्या है बेटा एक्टिव नहीं है, वो क्या है सो गए हैं ठीक है। अब वो कब उठेंगे, जब एमपी में वैकेंसी आएंगी तब वो सो कर जागेंगे, और फिर वो अपना झोला लेकर भागेंगे, कोचिंगों में जाएंगे, फिर तैयारी करेंगे, और उनमें से 5% स्टूडेंट जो हैं वो नौकरी ले पाएंगे, बाकी 90% फिर वही झोला को वापस लेकर आएंगे। बेटा जो कॉन्टिन्यूस मेहनत नहीं करता है ठीक है, उनकी नौकरी नहीं लगती है, और जो मेला करने आते हैं तो मेला करने वालों का कुछ नहीं होता। जो लोग सुपर डैड के सपने देख रहे हैं ना कि सुपर डैड की भर्ती आएगी हम लोग नौकरी लेंगे, बेटा ये सपना तुम्हारा सपना रह जाएगा अगर तुमने आज से तैयारी नहीं की है। तुम अगर नौकरी का इंतजार तुम कर रहे हो कि सर नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तैयारी करोगे, तुम बेटा कॉम्पिटिशन की लाइन में ही नहीं हो, भूल जाओ अपने आप को ठीक है। 20 लाख लोग हैं बेटा, 20 लाख लोग, इमेजिनेशन करो 20 लाख लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना है। अगर आज अगर तुम नहीं जागे, आज अगर तुम नहीं भागे, तो पूरी जिंदगी फिर तुम भागते रहोगे ठीक है, फिर कुछ नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ अभी भी समय है, पढ़ डालो यार, क्योंकि मैथ्स है, ईवीएस है, इन्वायरमेंट जो भी है, लैंग्वेज है, तीन तो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी तुमको, एक नहीं तीन लैंग्वेज पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है ठीक है, और उसमें इंग्लिश पढ़नी है, जीएस पढ़नी है आपको, इसमें सारी जीएस पढ़नी पूरी। तुम सोच रहे कि सर तभी इंतजार करेंगे जब वैकेंसी आएंगे तब करेंगे, बेटा तो करते रहना, फिर कुछ नहीं होगा बेटा, ये सच बात है। चलो क्या बनेगा इसका आंसर, ज्यादा समय नहीं लूंगा हाँ। निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है बेटा, निगमनात्मक में क्या होता है बेटा, हम नियम से कैसे चलते हैं, नियम से उदाहरण चलते हैं, कैसे चलते हैं उदाहरण, यानी कि नियम मतलब बेटा सूत्र, सूत्र से तो ठीक है, नियम में नहीं है बेटा, हमें नहीं देखना है, देखो क्या कह रहा है नहीं है, तो हमें नहीं है इसका मतलब है कि तीन है एक नहीं है, भाई क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि तीन है एक नहीं है राइट। चलो हाँ इधर आइएगा हाँ, हमारा बेटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जो मिलेंगे नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ जो मिलेंगे सब इसी पे मिलती है, फ्री में दी जाती है। चलो ये कह रहा है ये विधि छात्रों शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है ठीक है, ये तत्व सूत्रों के स्मरण करने पर बल देती है, इस विधि में अधिगम करता सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सामान्य का मतलब होता है बेटा नियम, सामान्य का मतलब होता है नियम, और विशिष्ट का मतलब होता है उदाहरण। तो सही बात कह रहा है, सही बात कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा सही, इस विधि में अधिगम करता नियम सूत्रों को खोजता है, बेटा खोजता नहीं है, खोजना किसमें होता है, खोजना आगमन में होता है, खोज नियम किसमें खोजता है,
आगमन विधि में सूत्रों को, आगमन विधि में सूत्रों को, नियमों को खोजता है। इसमें तो सूत्र पहले से ही होते हैं उसके पास, याद रखिएगा। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, आगमन विधि में नियम सूत्रों को खोजता है, इसमें तो उदाहरण खोजता है। क्या खोजता है? उदाहरण को खोजता है, उदाहरण को खोजता है। याद आ गया कि सर ये नहीं बनेगा, सामान्यीकरण करता? नहीं बेटा, नियम तो उसके पास पहले से ही होते हैं, निगमन विधि में सूत्र पहले से ही बता दिए जाते हैं और बच्चा उनके द्वारा उदाहरणों पर पहुंचता है, और आगमन विधि में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, यानी कि इंडक्टिव मैटर में उदाहरण पहले मिलते हैं और फिर बच्चा किस पर चलता है? फिर बच्चा नियम पर चलता है, नियम पर। तो राइट आंसर क्या होगा? डी बनेगा। समझ में आ गया? नोट्स भी है बेटा, सब कुछ है। एडी लाइव ज्वाइन करो, पहले आप एडी एप्लीकेशन, आप प्ले, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ बेटा, आपको लिंक मिलेगी एडी लाइव एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लो, सब कुछ उसी पे मिलेगा। नोट्स में चेक कर लेना कौन कौन से नोट्स डले हुए हैं, सारे फोल्डर को चेक कर लेना, सब कुछ उसी में मिलेगा। आ जाओ, ये रहा बेटा फोर्थ क्वेश्चन। अब समय नहीं लेंगे, जल्दी से करो भाई, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। चलो, हाँ, ये कह रहा है गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति, बिल्कुल सही है। गणित की प्रकृति कैसा बेटा? नोट लगा के लिख लेना, नहीं तुम गलती करोगे फिर। गणित की कैसी प्रकृति है? पदानुक्रमिक होती है, कि भैया हम सिस्टम में चलते हैं, पदानुक्रमिक होती है। ठीक है, आ जा। ये कह रहा है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत संरक्षित और संबंधित, बिल्कुल सही है। निम्न कथनों में से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक बताओ। योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, भाई योग के बाद ही तो गुणा सिखाएंगे, बताओ गुणा पहले सिखाएंगे कि योग पहले सिखाएंगे? बोलो जल्दी से, जितने लोग जुड़े हैं, कैसे करेंगे बेटा? पहले योग सिखाएंगे, बाद में क्या सिखाएंगे बेटा? गुणा सिखाएंगे, राइट? ठीक है, हाँ सर, ये बिल्कुल सही है कि सर पहले हम क्या करेंगे? योग सिखाएंगे, बाद में गुणा सिखाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि भैया योग और गुणन, यानी कि पहला सही है बेटा, पहला स्टेटमेंट सही है कि योग पहले गुणा बाद में, राइट? ठीक है, हाँ, यही तो सिखाते हैं बेटा कि पांच पांच प्लस पांच प्लस पांच, इसको हम जोड़ना है तो बेटर है बेटा कि पांच गुणा चार कर दो, ये 20 आएगा, ये भी 20 आएगा। चलो, सेकंड क्या कह रहा है? योग और गुणन पृथक अवधारणा। बेटा जब ये कह रहा है कि एक ही अवधारणा, तो फिर ये पृथक कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि ये सही है तो फिर ये गलत है, ये गलत है, राइट? समझ में आ रहा है ना? जब ये सही है तो प्रत्यय कैसे हो सकती हैं? तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होता है। किसने कहा कि केवल योगात्मक होता है? केवल योग नहीं बेटा, फॉर्मेटिव भी है, सम्मेटिव भी है, दोनों ही होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव भी और सम्मेटिव भी है, यानी रचनात्मक भी है। ठीक है, रचनात्मक भी और ये भी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? देखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। ठीक है, चलो, तीसरा कह रहा है संख्या का ज्ञान, यानी संख्या के ज्ञान का विकास योग और व्याकलन की अवधारणा से पहले चाहिए। ये कह रहा है कि हम संख्या पहले बताएं, संख्या के बाद, संख्या के बाद उसे जोड़ बताया जाए व घटाव बताया जाए, तो बिल्कुल सही कह रहा है। कल की मेरी उस दिन की क्लास को याद करो, मैराथन क्लास को याद करो बेटा, बिना तुम संख्या के ज्ञान के तुम जोड़ कैसे बताओगे? बच्चे को पता ही नहीं है वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, तुम कैसे जोड़ बताओगे इसको? यानी पहले हमें संख्या समझानी है, बिल्कुल सही कह रहा है, उसके बाद हम जोड़ बताएंगे और घटाव बताएंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि संख्या के ज्ञान के बाद ही शून्य का ज्ञान कराया जाएगा, यह भी याद रखना। नहीं सोचें कि सर हम पहले शून्य बता दें, बेटा शून्य कैसे समझेगा? ठीक है, तो संख्या के ज्ञान के बाद ही क्या बताएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा इससे पहले जो हुआ था उसमें क्वेश्चन ऐसे आया था कि संख्या का ज्ञान पहले बताएं कि जीरो का ज्ञान पहले बताएं, तो पहले बेटा संख्या बताएंगे, उसके बाद में जीरो बताएंगे, उसके बाद में हम क्या बताएंगे बेटा बच्चों को? ठीक है, योग बताएंगे, सब बताएंगे। तो ये सही है और ये सही है, यानी इसका मतलब हमारे दो सही है, तो क्या सही हो जाएगा हमारा? वी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पर चले बेटा। हाँ, कोई डाउट यहां तक? चले अगले पॉइंट पे चलते हैं, और ये रहा बेटा पांचवा क्वेश्चन। चलो, कौन सा सही है बेटा ये देखते हैं। पांचवे क्वेश्चन पर आते हैं भाई सभी लोग, आ जाओ।
क्या कह रहा है, उच्च गणितीय कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। देखो ये कह रहा है कि उच्च कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की यानी कि लड़के और लड़की। अब ये कह रहा है कि अपर यानी कि अपर प्राइमरी स्तर पर देखें हम लोग तो लड़के गणित में ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं। लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम हैं, तो कम क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन पता कर लो, कारण बताओ क्यों कम है। तो बताओ इसका क्या कारण हो सकता है, बोलो। ये कह रहा है कि छात्रों की तुलना में पुरुष, ये कह रहा है छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हो। क्या ये सही है कि लड़के बेटर होते हैं मैथ्स में और गर्ल्स जो होती हैं वो कमजोर होती हैं? बेटा ये तो रूढ़िवादी सोच को दिखा रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, सही नहीं है, गलत है। गणित की एक बहुत ही कठिन विषय है, ये कह रहा है कि गणित एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और आगे कह रहा है छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता है। ये कह रहा है कि लड़कियों के पास इसका रुझान नहीं होता है, क्या ये सही है, ये भी गलत है। ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है कि ये जो विषय जो है ये किसका विषय है, ये लड़कों का विषय है। यानी क्या कहते हैं, बेटा ये लड़कों का विषय है, तुम लड़की हो तुम आर्ट्स ले लो, तुम होम साइंस ले लो। तो ये जो जेंडर जो बने हैं वो बेटा वो समाज ने बनाए हैं और उसी आधार पर इसकी अपेक्षा की गई है। तो ऑप्शन हमारा केवल हमारा ओनली बेटा हमारा यही सही होगा, ओनली यानी तीसरा सही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, बेटा सी बनेगा। आगे बढ़े, चलो हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ये रहा बेटा 60 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? बेटा सहायक नहीं है, कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। बेटा कक्षा का अवलोकन सहायक है, ये तो सहायक है, हमको तो ये देखना है सहायक नहीं है, बस हमको ये पकड़ना है बेटा। समझ में आ रहा, क्या पकड़ना है बेटा, कि सर हमारा है, देखो ये तो हमारा सहायक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है भाई, ये तो सहायक होगा। मौखिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण ये भी है, छात्राओं का लिखित कार्य ये भी होगा, संचयी उपव्याख्यानात में ये भी होगा, लेकिन योग परीक्षण, योगात्मक परीक्षण यानी सम्मेटिव का मतलब होता है जांच करना, यानी ओनली हमारा क्या बनेगा, 5 बनेगा, यानी डी आंसर हमारा सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, अगले पर। ये रहा बेटा 7 क्वेश्चन। चलो अब 7 क्वेश्चन में बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, बेटा 7 क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? फिर गलती करोगे आप लोग, अगर 7 क्वेश्चन नहीं पहचाना तो बेटा फिर आप लोग गलती कर जाओगे। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। कैसे पहचानोगे सर, यानी कि 34x6 को हल करने के लिए विद्यार्थियों की नीची गई प्रणाली का उपयोग करती है। अब आप ये मान लो, देखो संख्या ले लो इधर, 30 क्या है बेटा, यानी ए वी सी, ये मान लो इधर, देखो ए क्या है इसको 30 मान लो, बी क्या है बेटा, बी 4 है, सी कितना है, 6 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनना है बेटा, ए प्लस बी गुणा सी, ठीक है, ये फॉर्मूला बनना है ना बेटा, राइट, यही फॉर्मूला बनना है हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला बनना है। अब ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है बेटा, ये वितरण का फॉर्मूला है। आप कहोगे सर ये तो हमको नहीं पता, तो चलो भाई जब आप एडी के साथ हो बेटा तो फिर तुमको कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आ जाओ भाई, कहाँ गई हमारी, यू ना है, आ जाओ आ जाओ बेटा, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद आया बेटा, आ गया सर याद हमको, फॉर्मूला याद आ गया, आ जाओ, अभी नहीं आया तो बोर्ड की तरफ फिर से देखो बेटा, थोड़ा सा और बता दे तुम, जरा बेटा फॉर्मूला को पकड़ो, क्या फॉर्मूला था बेटा, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी गुणा सी, यही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा,
बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है यही फॉर्मूला, कोई और फॉर्मूला बनना है बेटा इसमें? डिस्ट्रीब्यूटर में यही फॉर्मूला बनना है, एसोसिएट का फॉर्मूला तो नहीं बनना। एसोसिएट में बेटा प्लस है, ठीक है, गुणा कहाँ पर, यहाँ पर है, कौन सा फॉर्मूला बनना बेटा? फॉर्मूला क्या बन रहा है कि सर ए गुणा बी बराबर यानी ए प्लस बी कोष्ट इंटू सी, ये फॉर्मूला बनना। अब क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा यानी ए गुणा बी कर दो प्लस ए गुणा बी कर दो, ए गुणा बी कर दो प्लस क्या बनेगा, ए सी बनेगा, राइट, यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा ना, ठीक है। चलो आगे चलते, अरे यार ये तो हैंग कर गया, हाँ बच गया बच गया, नहीं चला जाता, आ जाओ आ जाओ। फॉर्मूला बना, फॉर्मूला को पकड़ो बेटा, हाँ क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी इंटू सी, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ए गुणा सी, यही बन रहा है, ठीक है, यही किया गया है इसमें, देखिएगा यही तो किया गया है, ए गुणा बी प्लस बी गुणा सी, सी कर दिया, ठीक है, बी गुणा सी, राइट, यही कर दिया गया, हाँ बस बदल दिया गया, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे कराने कौन सा कथन सही है बताओ बेटा, कौन सी अवधारणा होगी? चलो अब ऑप्शन देखते हैं बेटा, ये रहे हमारे सामने ऑप्शन, चलो ये रहा बेटा हमारे सामने ऑप्शन, अब बताओ क्या होगा बेटा। अब यहां पर कह रहा है कि ये विद्यार्थियों को गुणन की अवधारणा ज्ञान और इस अपघटन की प्रणाली संचालित करने में सक्षम है। देखो ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को गुणन की अवधारणा का ज्ञान कराने के लिए और इसे अपघटन, ठीक है, मतलब अपघटन का मतलब बिल्कुल आसान, बिल्कुल नीचे ले जाना, बिल्कुल धीरे धीरे, अपघटन मतलब ठीक है सिंपल करना, आसान करना, आसान करना कि प्रणाली संचालित करने में सक्षम है। अब ये क्या कर रहा है, इस गुणा को आसान किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा, ये कह रहा है कि ये गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थी को इसके लिए हतोत्साहित करना चाहिए। क्या ये एक मानक विधि नहीं है? बिल्कुल होती है बेटा, ये ऑप्शन कट गया। ये कह रहा है विद्यार्थी गुणा अवधारणा का ज्ञान नहीं है, ये भी कट गया। ये गुणन की समस्या को हल करने के लिए एक तत्कालिक अनुमान और प्रयास प्रणाली, बेटा अनुमान कहाँ है, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, पहला ही सही बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा हमारा, फर्स्ट आंसर सही बनेगा, ठीक है। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर लेते तो भी आपका आंसर निकल जाता। ये रहा बेटा आपके सामने एट क्वेश्चन, बताओ क्या बनेगा एट क्वेश्चन, जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, वही है, कौन सी सोच है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ देखो, निम्नलिखित में से कौशल यानी कौशल गणित में आकार दिक स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं बेटा, बताओ कौन कौन सी चीजें हैं वो जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन सी चीजें हैं जो वो जुड़ी हुई हैं। देखो कह रहा है कि सममिति खोजना, बिल्कुल, यानी कि सिमेट्री, सिमेट्री समान आकार वाली आकृतियां खोजना, सम आकार वाली आकृतियां खोजना, तो ये तो बेटा शामिल है, ये भी सही है, ठीक है। सांख्यिकरण ज्ञान अवधारणा क्षेत्रफल परिमाण आदि को जोड़ना भी सही है, ये होता है कि नहीं होता। विद्यार्थियों के प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ाना, ये भी सही है, ये क्या कह रहा है। अच्छा एक ऑप्शन इसमें कट गया बेटा, बेटा इसमें एक ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन यहाँ से दिया है, ये रहा सेकंड ऑप्शन, ये रहा, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही, ये भी सही है। केवल विज्ञान के साथ गणित को सम्मिलित करना, ये गलत है, डी गलत है बेटा, बाकी तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो क्या बनेगा आंसर हमारा, बोलो सी बनेगा, आ जाओ नेक्स्ट। चलो नाइन क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ बोलो। अच्छा सूक्ति का मतलब होता है
फेज बदलाव, सूक्ति गणित का प्रारंभ घर से होता है, इसका अर्थ क्या है? तो बेटा घर के आकार चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजों को से ही तो शुरुआत होती है, छेद से, दिशाओं से, यहीं से तो इसकी शुरुआत होती है। बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायी अभिभावकों का है, बिल्कुल गलत है। ये जो सूक्ति जो है, ठीक है, ये जो कहावत जो है, क्या ये सही है कि गलत है? बेटा घर और अब केवल अभिभावक गलत होता है, अभिभावकों को है, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की नहीं है, ठीक है, विद्यालय की भी है, समाज की भी है, सभी की है। घर और वातावरण प्रचुर में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका उपयोग गणित में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, बिल्कुल सही है भाई। जितने संसाधन होंगे उतने हम गणित में हम इसका यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सी क्या कह रहा है कि गृहकार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं। बेटा गृहकार्य तो केवल इसके लिए दिया जाता है विस्तार करने के लिए, अधिगमकर्ता के गणितीय कौशल वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षण आवश्यक है। क्या ट्यूशन जरूरी है, निजी शिक्षण जरूरी है? गलत है। ऑप्शन क्या बनेगा बेटा हमारा? बी ही सही होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, ये रहा 10वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, जब बच्चों को शाब्दिक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब, ठीक है, बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, बच्चे टिप्पणी करते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं? यदि आप मुझे बताओगे कि कौन सी प्रक्रिया, कौन सी संक्रिया करनी है, मैं यानी कौन सी प्रक्रिया करनी है तो मैं हल कर दूंगा। मतलब बच्चा ये कह रहा है कि मुझे यहां पर यह बता दो कि मैं जोड़ू कि घटाऊं, मैं जोड़ू कि घटाऊं, ठीक है। मतलब हमने कहा कि बेटा आपके पास दो पेन है, जैसे मैंने कहा बेटा आपके पास दो पेन है, ठीक है, और एक पेन आपने अपने दोस्त को दे दी, एक पेन आपने क्या दे दी, अपने फ्रेंड को दे दी, दोस्त को दे दी। अब बच्चा मुझसे ये कह रहा है कि सर मुझे ये बताओ जोड़ू कि घटाऊं मैं तो मैं हल कर दूंगा। जैसे हमने कहा कि बेटा कि आपके पास दो पेन है, एक पेन आप अपने मित्र को दे दी, अब वो कह रहा है मैं जोड़ू कि घटाऊं, तो हमने कहा घटा दे, तो उसने कहा एक पेन बची। हमने कहा कि एक पेन आपके मित्र ने आप दे दी, तो वो कह रहा है कि बेटा यहां जोड़ू। इसका मतलब बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती है, बच्चा घटाव तो जानता है, जोड़ तो जानता है, बट बच्चा क्या नहीं जानता है, बच्चा वर्ड प्रॉब्लम नहीं जानता है। तो आंसर क्या बनेगा, बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या ऐसा यही ऑप्शन हमारे लिए सही है? गलत है। शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्भाग्यवती होती है, ठीक है, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है, बच्चे आलसी होते हैं, तो गलत है, ये गलत है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, ठीक है, वो नहीं समझ पाते जब वो ऐसा करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा हमारा, क्या बनेगा बेटा हमारा, ठीक है, हाँ एक मिनट सॉरी बी नहीं बेटा, एक मिनट, परिज्ञान एक समझ लेते हैं। देखो ये दोनों ऑप्शन, ये दो तो हट गए बेटा, इन दोनों ऑप्शन को समझते हैं। देखो शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्भाती होती है, परिज्ञान कौशल की कमी है, यानी कि बच्चों को इसकी समझ नहीं है किसकी, ठीक है, किसकी, कि यहाँ पर हमें शाब्दिक समस्या हल करनी कि नहीं करनी। ये दुर्भावती शब्द तो बिल्कुल गलत है बेटा, आंसर सी होगा कि बच्चे इस कौशल को नहीं जानते हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम के कौशल को नहीं जानते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के स्किल को नहीं जानते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी बनेगा बेटा, गलती से हमने बी कर दिया, ठीक है, दुर्वाती तो हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा इसका, हमारा बी बन जाएगा बेटा। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इसके लिए से कहा जाता है, इंग्लिश अगर आप इसका देखोगे तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, तो बिल्कुल बच्चों को इसकी समझ की कमी है, लैक। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, स्टार लगा लेने इस पर, अच्छा क्वेश्चन। सिर्फ स्किल की कमी है, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट
11 क्वेश्चन है, पहले बेटा पढ़ो इसको फिर आंसर करना। चल हाँ, एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सीमा सिंह बेटा, कोई डाउट? प्रिया, अन्नु, पलक, नीरज, जितने लोग जुड़े हैं बोलो बेटा क्या आंसर बनेगा। ये वही क्वेश्चन है जो बेटा बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। चलो लेकिन इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग स्टार जरूर लगा लेना। स्टार इसलिए लगा लेना बेटा, इससे ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एजिटेज आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बेटा आपको एजिटेज मिलेंगे, ठीक है। चलो ये कह रहा, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियों को पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप को एक निश्चित क्रम तैयार किया है। बेटा निश्चित क्रम है, अब क्रम से लगाना पड़ेगा, क्रम से लगाना, अब क्रम से लगाना पड़ेगा। उन्हें एक और कैसे दिया, एक रैंडम तरीके से दे दिया गया है, यादृच्छिक का मतलब एक रैंडम तरीके से दे दिया गया है। अब आप इस रैंडम तरीके को आप क्या करना है, आपको क्रम से लगाना, बस कुछ नहीं करना है। इस रैंडम तरीके को आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो पहले पढ़ो फिर आप देखो कि रैंडम तरीकों को हम क्रम से कैसे लगा सकते हैं। चलो पहला कह रहा है कि छात्र विभिन्न यानी कि भिन्न आकृतियों के, ठीक है, विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। देखिएगा भिन्न आकृतियों के क्या करते हैं, खोज करते हैं। क्या ये पहले पॉइंट पर आ सकता है? नहीं आ सकता। चलो ठीक है, पहले हम देखते, देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये देखा करो सबसे पहले हम किसको ले, सबसे पहले हम किसको लें ये देख लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा तीसरा पढ़ते हैं, सबसे पहले हम किसको लें। छात्र अपने आसपास की, ठीक है, दुभिमा वाली वस्तुओं को क्या करते हैं, चित्रित करते हैं, चित्र बनाते हैं। छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र दिखाए गए और उन्हें कहा गया कि वे उनके, ठीक है, इसके एक समान की दृश्य वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। देखो आसपास पहचाने बेटा, सबसे पहला आसान तरीका कि हम इसी को उठा लेते हैं, तीसरा सबसे पहले रखेंगे और तो नहीं लग रहा। वर्गीकरण बेटा पहले नहीं आएगा, फर्स्ट तो वर्गीकरण नहीं आएगा। ये क्या करेगा बेटा, हमारी हेल्प कर देगा। ये जो तरीका सॉल्व करने का, ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सर एक हिंट में लगे कि तीसरा पहले आएगा, तो दो ऑप्शन कट गए, बचे आपके सामने दो ऑप्शन। अब कह रहा आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ करना। क्या करना बेटा? समर्थ करना और चित्रित करना। तो इससे बेटर है कि क्लासिफिकेशन बनना होगा कि पहले हम वस्तुओं के चित्र बना लें। इसका मतलब है कि हमारा तीसरे के बाद दूसरे को ज्यादा रखे तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। भाई क्लासिफिकेशन तो बच्चा नहीं कर पाएगा, तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा कि तीसरा पहले आएगा फिर दूसरा आएगा। इसका मतलब सर ये तो कट गया, बी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। ये क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग इस प्रकार का कि सर हम कैसे पहुंचना है। ये रहा 12 क्वेश्चन। ये कह रहा है कक्षा 2 के छात्रों की संख्या का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया, ठीक है, योग पढ़ाने के लिए क्लास 2 के एक क्रियाकलाप करवाई जिसमें से रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। ये क्रियाकलाप छात्रों के निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? अनुमान लगाने में, मान दर्शन करने में, निरूपण करने में, बताओ किसमें होगा। अब देखो ऑप्शन भी देख लो कि सर ज्यादा से ज्यादा दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है, और एक भी सही हो सकता है, लेकिन तीन ऑप्शन सही नहीं हो सकते। क्या कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, तीन ऑप्शन सही नहीं होंगे। चलो अब यहां पर हम देख लेते हैं इसका मीनिंग आप लोगों को। देखो इसको बेटा ये होता है एस्टीमेशन, इसको कहते हैं बेटा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलो तो कक्षा योग पढ़ाने के लिए अध्यापक को क्रियाकलाप करना चाहिए, तो क्या अनुमान की चीजों को करना चाहिए? विजुअलाइज कराएं, रिप्रेजेंट करें, दोनों तो देखो विजुअलाइज तो होगा सर, ठीक है, लेकिन एस्टिमेशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, अनुमान को नहीं करेंगे। ये ऑप्शन कट गया, इसका मतलब हमारा ये सही हो जाएगा, तीसरा सही होगा, दूसरा और तीसरा, राइट, ठीक है। चलिए विजुअलाइजेशन तो लेंगे बेटा, मान दर्शन तो हम लेंगे विजुअलाइजेशन।
चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन घटाव, एक व्यवकलन प्रश्न है। क्या किया कि 83 में से 56 को घटाना है और कुछ छात्रों ने उत्तर दे दिया कितना, 33 दे दिया, 3 3, ठीक है। क्या कर दिया उसने कि इसको इसमें से घटा दिया, इसको इसमें से घटा दिया, यानी 6 में से क्या कर दिया बेटा, 3 को घटा दिया। 3 में से 6 को नहीं घटाया, 6 में से 3 को घटा दिया। छात्रों द्वारा की गई अशुद्धि को संशोधित करने के लिए उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी। देखो पहला पॉइंट, क्या बच्चे को घटाना नहीं आता है, घटाना आता है भाई, घटाव तो जानता है, बट उसने घटाना क्या था, 13 में से एक इधर लेना था कैरी और 13 करना था, 13 में से 6 को माइनस करना था, बट उसने क्या कर दिया, 3 में से इसको घटा दिया और इसको इसमें से घटा दिया, राइट। अब हमको पकड़ना है कि बच्चे को कौन सी समझ नहीं है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन, क्या नहीं है, याद करो मेरी क्लास को, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर बच्चा ऐसी गलती करता है, अगर वो हासिल वाली गलती करेगा, कौन सी बेटा, हासिल वाली गलती करेगा तो उसे क्या कहेंगे, एडिशन विथ रीग्रुपिंग या सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, पुनर्समूहीकरण कहेंगे। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, आप कहोगे सर कब लिखवाया था, तो भैया प्रूफ भी दे देते हैं आपको, आ जाओ भैया प्रूफ दे देते हैं, नहीं आप लोग नहीं मानोगे, ठीक है आप लोग, हाँ ये रहा बेटा, कहाँ रहा, ये रहा, देखो ये रहा, नहीं ये तो फैक्शन वाला था, वो कहाँ कराया था आपको, इसके बाद ही कराया था ना, इसके बाद देखो ये रहा, ये नहीं ये रहा, ये रहा कराया था आप, ठीक है। अगर हासिल वाली चीजें नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करोगे, ये करोगे, ठीक है ये करोगे, याद रहेगा, ठीक है। अगर घटाव कर पा रहा, बस आप देखिएगा, घटाव वो नहीं कर पाया तो घटाव लगा देना, जोड़ नहीं कर पाए, जोड़ नहीं कर पाएगा, सब पढ़ा दिया गया भाई, सब पढ़ा दिया गया। ये रहा 14 क्वेश्चन, चलो 14 का आंसर करो जल्दी से सभी लोग, जितने लोग जुड़े, हाँ लाइक करो भाई सभी लोग, प्रियंका शर्मा, प्रिया वर्मा, बताओ। कक्षा एक में प्रक्रमण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से अत्यधिक उपयुक्त है, बताओ कौन सा उपयुक्त है, हाँ बताओ जल्दी से। फर्स्ट क्लास की बात की जा रही है, 14 क्वेश्चन है बेटा, बोलो बताइए। चलिए, कक्षा एक में प्रकरण की तुलना का परिचय देने के लिए क्या सही है, अलग अलग पदार्थों का अवलोकन व तुलना करना सही है, अमान्य इकाइयों को प्रयोग में मापों की तुलना करें, मान्य इकाइयों प्रयोग मापों की तुलना करें, पदार्थों आरोपित करें और तुलना करें। देखो ऑप्शन ये कह रहे हैं कि हम दो ही सही हैं, दो गलत हैं, ज्यादा से ज्यादा दो सही हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकते। ये तो हम करेंगे कि सर फर्स्ट तो हम करेंगे अवलोकन, तो ऑब्जर्वेशन तो कराएंगे, ऑब्जर्वेशन तो कराएंगे, ऑब्जर्वेशन कराएंगे, इसका मतलब है कि सर हमारा ये तो कट गए, बचे हमारे सामने दो ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या सही है क्या गलत है। ये कह रहा अमान्य इकाइयों का, अमान्य इकाइयों के प्रयोग में प्रयोग से मापों और तुलना करो, ये कह रहा मानक इकाइयों प्रयोग में तुलना करना है, ठीक है। अब ये लेना तो हमें ये दोनों को ही लेना चाहिए, क्योंकि अमानक के बाद मानक भी आता है। देखिएगा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अमानक के बाद मानक भी आता है, तो हम इसको लेंगे तो फिर इसको भी लेना पड़ेगा, तो दोनों हट गए, बचे आपके सामने ये डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे हम दोनों का यूज करते हैं, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, तो आंसर पर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब आपको स्टेटमेंट देखना कौन सा सही है।
पहला कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में छात्रों के मानसिक परिकलन कौशल के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि उनकी मेंटली प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एल्गोरिथम सिस्टम जो है या चीज़ों को सिस्टमेटिकली बताना चाहिए। पहला सही है बेटा, फर्स्ट हमारा सही है। दूसरा कह रहा है, पहला सही हो गया भैया, एक तो हमारा सही हो गया, फर्स्ट सही हो गया। ड्रिल अभ्यास के द्वारा मानसिक सुधार, नहीं बेटा ड्रिल नहीं कराना चाहिए, ड्रिल नेगेटिव होता है बेटा। ड्रिल क्या होता है, नेगेटिव होता है, बार बार एक जैसा अभ्यास गलत है। ड्रिल का मतलब होता है बार बार एक जैसा अभ्यास, यानी कट गया, ठीक है। ये कह रहा मानसिक परिकलन कौशलों को क्या करना चाहिए, हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीति प्रस्तुत करना चाहिए। दोनों सही है, इसका मतलब हमारा ठीक है, तीसरा सही है और पहला सही है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलो तो बेटा ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगर आप तैयार हैं तो बेटा 22 दिसंबर का सॉल्व करें।